आज हम टेलीस्कोप पढ़ेंगे, राइट। तो टेलीस्कोप, ऐसे मैं प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि होता क्या है टेलीस्कोप। बेसिकली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। कोई भी दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियर कट देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टेलीस्कोप, राइट। तो वो होता क्या है कि वो हमें अगर नेट आई से देखेंगे तो बहुत ही स्मॉल दिखेगा, राइट। लेकिन हम टेलीस्कोप से देखेंगे, क्या पता हम नेक्ड आई से उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाए, लेकिन टेलीस्कोप से अगर देखें उसको तो वो ऑब्जेक्ट हमें प्रॉपर क्लियर, बिल्कुल मैग्निफाइड होकर के वो हमें रिप्रेजेंट कर जाएगा, राइट। तो बेसिकली टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं। टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट, और दूसरा टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल, आप ये नाम सुने होंगे, एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में यूज करते हैं, जो हेवनली बॉडीज के लिए यूज किया जाता है स्टडी के लिए। लिखा गया टेलीस्कोप विद इट यूज टू सी हेवनली बॉडीज इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट। इट प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज, एक तो वर्चुअल इमेज, राइट, प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और इन्वर्टेड इमेज यानी कि ऑब्जेक्ट इस साइड रहेगा तो ये इमेज इस तरह का बनाएगा, राइट। इन्वर्टेड इमेज एज सच बॉडीज आर राउंड, द इन्वर्टेड इमेज डज नॉट अफेक्ट द ऑब्जर्वेशन। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट राउंड शेप का भी है तो भी कोई ऑब्जर्वेशन उससे डिस्टर्ब नहीं होता इंस्ट्रूमेंट से, राइट। तो दूसरा जो टेलीस्कोप है, ये तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिएगा कि जो एस्ट्रोनॉमिकल है दैट इज यूज टू सीइंग या यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, राइट। एस्ट्रो में यूज किया जाता है हेवनली बॉडीज को ये ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है, बट टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप दैट इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अर्थ पे ही अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करते हैं। इट वुड बी नेसेसरी टू हैव एन इरेक्ट इमेज, इसमें जो इमेज होता है दैट इज इरेक्ट होता है, यानी कि इरेक्ट का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर हम उस टेलीस्कोप के सामने रखे हैं तो उसका इमेज भी इरेक्ट होगा, उसी साइड पे होगा, मैग्निफाइड तो होगा ही, सेम साइड पे इमेज भी फॉर्मेशन होगा, इरेक्ट। इन्वर्टेड जस्ट हो जाता है उसके जस्ट अपोजिट अगर इमेज बन गया, राइट। तो अ टेलीस्कोप यूज फॉर ऑब्जर्विंग ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। अर्थ सरफेस पे अगर मान लीजिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको सीन करना है तो उसको सीन करने के लिए आप कौन सा टेलीस्कोप यूज करेंगे, उसको यूज करना है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप यूज करेंगे, राइट। लेकिन अर्थ सरफेस के बाहर दूसरे मतलब स्पेस में अगर किसी बॉडी को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज किया जाता है, राइट। तो बहुत ही फास्ट हम फास्ट स्टडी कर लेते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, राइट। इसको हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को रिफ्रैक्टिंग टाइप भी कहते हैं, राइट, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप, राइट। सो एन एस्ट्रोनॉमिकल और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंस सिस्टम्स, राइट। ये देखो, ये इंट्रोडक्शन है, स्टार्ट हो गया फर्स्ट का, जो फर्स्ट टाइप टेलीस्कोप है उसका इंट्रोडक्शन है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बेसिकली इट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू लेंस सिस्टम्स। इसको डायग्राम शुरू में बना रखा है, डायग्राम से बताएंगे। तो इसमें दो लेंस सिस्टम होते हैं, राइट। द लेंस सिस्टम फेसिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। बहुत ही सिंपल है कि मान लीजिए कि इधर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक हमने लेंस यूज कर लिया, तो ऑब्जेक्ट के साइड जो फेस किया है, जो लेंस ऑब्जेक्ट के साइड मान लीजिए कि कन्वेक्स लेंस है, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट है वो, तो उस साइड जो फेस किया है लेंस दैट इज ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। इट हैज लार्ज अपर्चर, जो ऑब्जेक्टिव होगा उस लेंस की जो अपर्चर होगी मतलब जो इफेक्टिव डायमीटर होगा दैट इज लार्ज, अपर्चर का मतलब यही हुआ, राइट। इट हैज लार्ज अपर्चर एंड इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। दूसरा क्या है कि
अपर्चर तो लार्ज है ही बट फोकल लेंथ भी लार्ज है, फोकल लेंथ भी इसकी हाई है ऑब्जेक्टिव वाले का, राइट, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ नॉट या एफ ओ यू कैन से, राइट। द अदर, क्योंकि दो लेंस इसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में कितने हैं लेंस सिस्टम, टू लेंस सिस्टम है, तो फर्स्ट को हमने ऑब्जेक्टिव कह दिया, सेकेंड को देखो उसको हम आई पीस कहते हैं, जो कि जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, जिससे हम विजिबल फॉर्म में उसको देखते हैं, राइट। तो सेकेंड लेंस सिस्टम दैट इज कॉल्ड आई पीस, राइट। आपने देखे होंगे कि टेलीस्कोप में जिधर से हम देखते हैं वो आई पीस होता है, अगर यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये हो गया आई पीस, राइट, और ऑब्जेक्ट कहीं इधर है, तो इधर जो जो लेंस लगा है दैट इज ऑब्जेक्टिव, राइट, और बीच में इन बिटवीन उसका सारा कुछ सेटअप रहता है। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक लेंस तो यहाँ यूज हो गया, दैट इज कॉल्ड आई पीस, राइट, और दूसरा ऑब्जेक्ट के साइड में, ऑब्जेक्ट के फेस के तरफ है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। सो इट हैज स्मॉल अपर्चर, जो आईपीस का जो फोकल जो लेंस होगा इसकी जो अपर्चर होगी वो बहुत ही स्मॉल है, राइट, दैट मींस लेंस का अपर्चर स्मॉल है, एंड स्मॉल शॉर्ट वेवलेंथ इवन एंड इज अ शॉर्ट फोकल लेंथ, सॉरी वेवलेंथ मैं बोल दिया, फोकल लेंथ FP, इसका टर्म जो रिलेटेड है ऑप्टिक्स में, दैट इज फोकल लेंथ, E से आईपीस कहते हैं, राइट, क्योंकि ये अपर्चर इसका स्मॉल है, इसकी फोकल लेंथ भी स्मॉल होगी, एंड द ऑब्जेक्टिव एंड द आईपीस आर माउंटेड कोएक्सियली, कोएक्सियली के मतलब कि एक ही डायरेक्शन में दोनों चीज अवेलेबल हो, राइट, माउंटेड कोएक्सियली मतलब ये एक्स एक्सिस आपने अगर कह दिए तो इधर ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और इधर आईपीस हो जाएगा, तो ये एक्सिस सिंगल एक्सिस पे है, कोएक्सियली, राइट, इन मेटालिक ट्यूब्स, ये मेटालिक कोई ट्यूब्स है आप कह दो, और ये आईपीस हो गया जिधर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसको हमने कह दिया ऑब्जेक्टिव, राइट। अब इसको हमने किसी स्टैंड पे माउंट कर दिया, मेटालिक अरेंजमेंट पे इसको माउंट कर दिया, हैंग कर दिया, राइट, इसको अब हम मोशन करा सकते हैं, इसको मूव करा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, राइट। द ट्यूब होल्डिंग द आईपीस कैन बी मेड टू स्लाइड इनटू द ट्यूब होल्डिंग द ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ये जो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट का कहा जा रहा है, यहाँ पर ये सारा अरेंजमेंट है कि इवन यहाँ पे भी नॉब लगा रहता है, यहाँ भी नॉब लगा रहता है, इसको अगर हम रोटेट करेंगे, यहाँ पर जो नॉब लगा रहेगा इसको रोटेट करेंगे, तो ये जो आई पीस है ये भी मूव करेगा इस ट्यूब के इनसाइड में, ट्यूब के इनसाइड में ही ये आई पीस लगा रहता है, ये फिर इसको अगर रोटेट करेंगे तो ये मूव करेगा, इधर हमारे आई की तरफ मूव कर सकता है और इंसर्ट भी आगे भी इनर हो सकता है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, ये सारे को ये तो फिक्स है, ये तो एडजस्टिंग में फिक्स है, बट इसको हम सेट कर सकते हैं, इस आई पीस अरेंजमेंट को उसमें रोटेट उसमें मूव करा सकते हैं, मोशन करा सकते हैं, राइट। तो बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका डायग्राम तो हम पॉज पे डिस्कस करेंगे, कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, जो ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसको मैं डायग्राम से बता दूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव का जो एपर्चर है वो एपर्चर हाई है और उसकी जो फोकल लेंथ है यानी कि एफओ ये भी हाई है, राइट, ये भी लार्ज है, और जो आई पीस का जो लेंस यूज किया जा रहा है उसकी जो एपर्चर है वो स्मॉल है, राइट, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्ट है और उसको एफपी से रिप्रेजेंट किया गया है, ये इन ब्रीफ इन शॉर्ट कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखिएगा किस तरह से आईपीस इंटरनली कंस्ट्रक्ट रहता है, राइट। तो द ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज,
अब जो ये ऑब्जेक्टिव है कैसा इमेज फॉर्म होता है, रियल इमेज। रियल इमेज का क्या मतलब है कि वाकई में वो रेज इंसिडेंट होकर के रिफ्रैक्ट होकर के और एक्चुअल में दोनों रे मिलती हैं ऑब्जेक्ट से रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से क्रॉस होने के बाद। तो जो रे रियल में कहीं पर क्रॉस हो, इंटरसेक्ट करें, मीट करें, देन दैट इमेज, दैट वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा एंड दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। इन्वर्टेड का मीनिंग क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर इनसाइड रखा है तो इमेज जस्ट उसके जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके जस्ट अपोजिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव हाइट जिस पर हम साइंस मेंशन में रहते हैं उधर इन्वर्टेड हो गया, इरेक्ट उसी साइड हो गया। उसी साइड अगर इमेज बना तो उसको हम इरेक्ट कहते हैं, जस्ट उसके अपोजिट ऑप्टिकल एक्सिस सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में इमेज बने तो दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट इट्स फोकल प्लेन। फोकल प्लेन हमने बताया था, फोकल प्लेन में ही मतलब एक तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड और रियल इमेज बन रहा है। डायग्राम से इस फोकल प्लेन को हम तो और निर्देश करेंगे, राइट। द पोजीशन ऑफ द आई पीस इज एडजस्टेड टिल द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। ये समझो कि हम बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी इवन ऑब्जेक्ट को, ये हम हेवनली बॉडीज को ऑब्जर्व करने के लिए, उस मेजरमेंट करने के लिए, ऑब्जर्वेशंस करने के लिए इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को यूज करते हैं, राइट। तो अगर मान लीजिए कोई हेवनली बॉडीज है जो कि अर्थ के सरफेस पे नहीं हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अर्थ सरफेस से दूर कर रहे हैं, राइट। तो ये अर्थ सरफेस पे अगर हमने यहाँ से टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं, राइट, तो ये हमारा आईपीस हो गया। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर टेलीस्कोप फिट किया है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट है, अब इस आईपीस को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है क्योंकि ये मूवेबल है, ये मूवेबल नहीं है, राइट। तो आईपीस को यहाँ पर एडजस्ट करके और ये जब तक क्लियर इमेज ना हो तब तक इसको एडजस्ट किया जाता है। वही लास्ट में लिखा है कि द पोजीशन ऑफ द आईपीस इज एडजस्टेड टिल द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड। मतलब इसलिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि जब तक फाइनल इमेज ना फॉर्म हो कि वो क्या चीज है, क्या किस तरह का नेचर है उसका, उस ऑब्जेक्ट का, क्या उस ऑब्जेक्ट पे फिनोमेना हो रहा है, तो फाइनल इमेज जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते तब तक उस आईपीस को सेट करते रहते हैं, राइट। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट मतलब कम से कम डिस्टेंस पे, है ना, ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि सेम ही ऑब्जेक्ट वैसे वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो दो को हमें सिंगल दिखा रहा है, दैट मीन्स कि वो डिस्टिंक्ट विजन नहीं हुआ। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि वो अलग अलग, राइट। अगर मान लीजिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मान लीजिए कि एक लेटर है ए और दूसरा भी यहाँ पर लेटर ए है ना, और एक तीसरा भी है, तो तीनों तो ये तो ऐसे दूर अगर हमने कर दिए तो वो एक बॉक्स जैसे दिखेगा, लेकिन उसको अगर हमने सेट कर दिए तो वो बिल्कुल अलग अलग, अगर उसको प्रॉपर डिस्टिंक्ट विजन पे मिनिमम डिस्टेंस पे उसको फिट कर दिया तो फिर वो बिल्कुल क्लियर कट दिखेगा कि अच्छा जी कुछ ऑब्जेक्ट है ए और उसके साथ और भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो भी सेम है बट उसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अच्छा उसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, राइट। तो ये माइक्रोस्कोपिक थिंग्स कह सकते हो, राइट, कि वो दूर रखे जो हम नेक्ड आई से नहीं देख पा रहे तो उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग डायग्राम पे पहुंचते हैं, डायग्राम प्रीवियस पेज पे है, इसको मैथमेटिकल टास्क भी है इसका, किस तरह से उसका मैग्निफिकेशन पावर वगैरह हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो डायग्राम जस्ट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको जो नेक्स्ट पेज में डायग्राम बनाया वो इम्पोर्टेंट है, आपको इम्पोर्टेंट है री डायग्राम से रिप्रेजेंट करना कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का जो अरेंजमेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको आपको बताना है, फिजिक्स बताना है, राइट। उसके कंस्ट्रक्शन में जरूरी नहीं कि उस तरह का, इमेजिन आप कर सकते हो, समझने के लिए वो मैं आपको समझा दिया
आप देखिए इस डायग्राम को आप अच्छे से समझ लीजिए, राइट। तो जैसे कि हमने कहा कि बेसिकली जो रिफ्रैक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है दैट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस सिस्टम, तो दो लेंस सिस्टम, एक लेंस ये है राइट और दूसरा लेंस ये ऑब्जेक्ट हो गया, दूसरा ई हो गया। ई का मतलब है कि आई, आई पीस का यानी कि सेकंड लेंस सिस्टम। आप देख ही रहे हैं डायग्राम में कि ये थोड़ा सा स्मॉल सा बनाया गया है, स्मॉल लेंस रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पर डायग्राम में, राइट। तो यहाँ पर इसका क्या बात की गया कि ये आई पीस हो गया, राइट, जिधर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये आई बनाया गया है, ह्यूमन आई को रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। अब इसका ऑप्टिकल सेंटर सी है, राइट, तो इसकी फोकल लेंथ को हमने एफ ई से दिए थे और ये शॉर्ट फोकल लेंथ था, राइट। और जो ऑब्जेक्टिव जो फर्स्ट जो लेंस सिस्टम था दैट इज ऑब्जेक्टिव चुका गया, राइट, एंड दैट हैव लार्ज फोकल लेंथ, राइट, दैट हैव लार्ज फोकल लेंथ, एपर्चर उसकी हाई है, इसका ऑप्टिकल सेंटर सी। अब देखो ये सारा कुछ उस टेलीस्कोप के इनसाइड में एग्जिस्ट करता है। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए बी ऑब्जेक्ट ए और बी, इस ऑब्जेक्टिव के फ्रंट पे ऑब्जेक्ट एक क्या है ए बी, बहुत ही क्लियर कट, इसको ध्यान से समझिए डायग्राम को, मैं थोड़ा सा इसको और ज़ूम कर दूं अगर ये आउट ऑफ स्क्रीन ना जाए तो, ठीक है, डायग्राम को ही हमें एक्सप्लेन करना है। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है, राइट, और ये आपको मालूम है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिक सेंटर से जो लाइन पास आउट होती है फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से, राइट। जो इमेज फॉर्मेशन हुआ दैट इज ए बी ए डैश बी डैश, राइट, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो यहां पर ये जो एंगल बना दैट इज बीटा, ये जो फोकल लेंथ है दैट इज एफ, ये एंगल अल्फा, ये जस्ट इंफिनिटी से जो ऑब्जेक्ट से मतलब ये पैरेलल रे जा रही है ऑब्जेक्ट से, राइट, जो कि इस तरह से इंसिडेंट हुई और यहाँ पर फिर क्योंकि ये डिफरेंट मटेरियल हो गया तो यहाँ पर रे रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होकर के और यहाँ से पास आउट होगी, राइट। इसमें डार्क कर दिया और जो सेकेंड रे है दैट इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होता है उसका रिफ्रैक्शन नहीं, डायरेक्ट उसी मीडियम में स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसिडेंट होगी। तो ये जहां पर रे मीट कर रही है दैट इज इमेज, और इसको अगर फिर यहां से इसको हमने कह सकते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सबसे पहले टेलीस्कोप के बारे में आपको बताना है, उसके कितने टाइप्स हैं, राइट, और फिर फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में रिफ्रैक्टिंग टाइप, राइट, उसका कंस्ट्रक्शन और फिर उसका किस तरह से वर्क करता है, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इसका प्रिंसिपल के बाद वर्किंग बता रहे हैं उसमें ये डायग्राम एक्सप्लेन करें, राइट, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने कहां तक कंप्लीट कर लिए, यहां तक कर लिए प्रिंसिपल, राइट। तो वर्किंग में आप वो डायग्राम आपको बना देने हैं, राइट,
जो प्रीवियस पेजेस पे रिप्रेजेंट किए थे टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं मेन तो राइट, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और दूसरा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के भी दो पार्ट हो गए राइट, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग राइट रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और दूसरा रिफ्रैक्टिंग। तो रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग दोनों हमारे सिलेबस में है, तो रिफ्रैक्टिंग तो हमने डिस्कस कर लिए है राइट। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को हम न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी कह सकते हैं राइट, इसको न्यूटोनियन टेलीस्कोप कहते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे राइट।